नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सोनभद्र के जुगेल थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती, पर जिस तरह की घटना देखने को मिल रही है वो इंसानियत को झकझोर कर रखने वाली है। जुगेल थाना क्षेत्र के टापू ग्राम पंचायत के टोला शक्ति चोरा में बीती रात लगभग 6 वर्षीय मासूम की तेज धार हथियार से निर्मम हत्या कर सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम गुलाम अगरिया की पत्नी सविता देवी अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर रिश्ते में भसूर अखिलेश अगरिया के घर गई थी। काफी देर तक मां के वापस ना आने की वजह से 6 वर्षीय मासूम फुलबसिया अपनी मां सविता को खोजते हुए अखिलेश अगरिया के घर पहुंच गई, जहां पर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वह सन रह गई। जैसे ही लड़की की नजर अपनी मां के ऊपर पड़ी वो सन रह गई तो उसकी मां व उसके कथित प्रेमी ने लड़की को दबोच लिया और लोक लाश से डर के बचने के लिए अखिलेश अगरिया ने तत्काल कुल्हाड़ी से बच्चे की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे धड़ शरीर से अलग हो गया। उसके बाद दोनों हिस्सों को कुछ दूर नाले के पास अलग अलग कुछ दूरी पर फेंक दिया। काफी देर हो जाने के बाद जब राम गुलाम की पत्नी सविता घर नहीं पहुंची तो वह भी खोजबीन करने लगा। खोजबीन करते करते राम गुलाम अखिलेश अगरिया के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी वहां पर शराब के नशे में धुत पड़ी हुई थी, जिसको वह उठाकर अपने घर ले आया। राम गुलाम अपनी 6 वर्षीय पुत्री को गायब पाकर रात में ही काफी खोजबीन किया परंतु वह नहीं मिली। सुबह जैसे ही लोगों की नजर बच्चे के शत विशत शव पर पड़ी तो तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के पश्चात पीएम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस राम गुलाम की तहरीर पर अखिलेश अगरिया व सविता के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत कर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। क्या नाम है? नाम कन्हैया। क्या हुआ है? कैसे? सुबेरे में हल्ला हुआ, मर्डर हुआ। मर्डर तो हम भी गए देखने, तो वहाँ लाश मिली। यही देखे। किस गांव का मामला है? गुसारी का, ग्राम गुसारी कोला सत्यजोरा का। अच्छा, सत्यजोरा। तो कैसे हुआ, कुछ जानकारी हुई आपको? नहीं, ये तो नहीं पता हुआ, लेकिन ये पता हुआ कि वो घर में वो लड़की और लड़की का माँ दोनों गई थी। अच्छा, लड़की की माँ उसी जगह बेहोश हो रहे थे, बता रहे हैं। यही बात है, जरा मालूम। अच्छा, पुलिस वाले जो मर्डर किया उसको ले गए हैं कि नहीं? मिल गए ना, पकड़ा गया है। अभी मिला ना, FIR हो गई है। हाँ, मुकदमा लिखा गया है। हाँ, सब कुछ करता हूँ, सब करता हूँ, मुकदमा लिखा करता हूँ। क्या हुआ है? ये लड़की को कौन सा मानती है? उसने गया उसकी घर में। क्यों मारा है? मेरे परिवार के साथ गलत संबंध बने, लड़की ने देखा मार दो। लड़की देख ली तो उसको मार डाले। जो मारा है वो कौन है? आपका क्या लगता है? चाचा का लड़का है, मेरे भाई का। आपके चाचा का लड़का, क्या नाम है उसका? लड़की क्या नाम है? सविता। कै साल की? 6 साल की। इसके पहले भी पकड़ाई थी वो लोग? जी, पहले भी करते हुए पकड़ाए कुछ? मैं पहले वो इसके साथ नहीं पकड़ा था, और किसी के साथ रहा था तो उसके से छुड़ाया, फिर इसके साथ। जिसको मारा वो कहाँ है? जिसको मारा है वो कहाँ है? वो पकड़ा गया। नहीं, पकड़ा गया ना तो। जो बच्ची कहाँ है आपकी? बच्ची उधर ले गया है, उधर टेम्पो से आया। क्या नाम है आपका? हमारा सोमनाथ नाम है। कैसे हुआ? नातिन है वो जो कटा है। क्या नाम है उसका? कैसे हुआ? तो पकड़ाया वो कहाँ है? वही है उसमें हो गई थी धारदार हथियार से। सर, क्या मामला था, क्या कारण था हत्या का? कल जनपद सोनभद्र के थाना जुगैल का जो गांव था, गोसारी टोला सती चौरा का, इसमें एक माइनर लड़की थी जिसका नाम फुलबतिया था। इसकी बॉडी मिली थी, बॉडी की सूचना के बाद पुलिस गई थी। उसके पिता द्वारा, जो मृतका के पिता द्वारा, दो लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो मृतका है, मृतका की माँ और उसके ताऊ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
चूँकि प्रकरण गंभीर है, तत्काल एक टीम बना करके थाना प्रभारी के नेतृत्व में विवेचना कराई गई। विवेचना के बाद तत्काल इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जो बच्ची थी उसके पिता ने बयान दिया था कि ये अवैध संबंधों के चलते जो हत्या हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो विवेचक ने जो कंप्लेन की गई है, जो मृतका के पिता द्वारा जो बात बताई गई है, उस पर विश्वास करके गिरफ्तारी की गई है कि मध्य सारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, इस बात के संज्ञान मिले। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।